जब कभी हेलीकॉप्टर या प्लेन क्रैश होता है तो सभी की कोशिश रहती है कि उसका ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाए। लेकिन क्यों, जब सब जल जाता है तो ब्लैक बॉक्स ही क्यों सुरक्षित रहता है और कैसी इन्फॉर्मेशन रहती है उसमें कि इन्वेस्टिगेशन के लिए सारी सरकारें उसी को खोजती हैं, आज समझेंगे इसे। मेरा नाम है अंजुम शर्मा, आप सिविल्स डेली का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। दरअसल जब भी कोई प्लेन या हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार होता है तो उसमें कम ही चीज़ें सुरक्षित रह पाती हैं, ज़्यादातर चीज़ें जल जाती हैं, शायद ही कोई एविडेंस मिल पाता है। लेकिन दो डिवाइसेस ऐसे होते हैं जिन्हें प्रोटेक्टेड रखने की हर संभव कोशिश की जाती है। पानी में गिरने से लेकर जल जाने तक की सिचुएशन में ये डिवाइसेस बच जाते हैं। ये दो डिवाइसेस हैं कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR और डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी DFDR। इन्हीं दो डिवाइसेस को मिलाकर बनता है ब्लैक बॉक्स, जिसे हम ब्लैक बॉक्स कहते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR कॉकपिट में होने वाली बातों को रिकॉर्ड करता है। ये उन बातों को भी रिकॉर्ड करता है जो कॉकपिट और ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में होती हैं। ये फ्लाइट में आखिरी 2 घंटे की आवाज़ों को रिकॉर्ड करता है। इसमें इंजन की आवाज़, इमरजेंसी अलार्म की आवाज़, कॉकपिट में हो रही वो तमाम आवाज़ें यानी पायलट और को पायलट के बीच की बातें भी रिकॉर्ड होती हैं। हाल ही में हादसे का शिकार हुए MI-17 हेलीकॉप्टर, जिसमें CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी और बाकी ऑफिशियल्स मौजूद थे, उसका भी ब्लैक बॉक्स बरामद किया जा चुका है। दूसरा होता है डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर DFDR। इसमें स्पीड, हाइट, पोजीशन, प्रेशर, फ्यूल जैसे डेटा को ट्रैक किया जाता है। ये लेटेस्ट 24 घंटे की ट्रैकिंग होती है, जिसे आप बाद में देख सकते हैं। इन दोनों को मिलाकर ही बनता है ब्लैक बॉक्स। कमाल की बात है कि ब्लैक बॉक्स का कलर दरअसल ब्लैक नहीं बल्कि ऑरेंज या पिंक होता है। इसे सुरक्षित रखने के लिए सबसे मजबूत एलिमेंट टाइटेनियम का प्रयोग किया जाता है। अंदर की तरफ वॉल टाइप प्रोटेक्शन मिलती है ताकि किसी भी दुर्घटना के होने पर ब्लैक बॉक्स सेफ रहे और उससे समझा जा सके कि असल में हुआ क्या था। 20th सेंचुरी में जब फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ने लगी तो एक्सीडेंट्स भी बढ़ने लगे थे। तब ये समझने का कोई तरीका नहीं था कि अगर कोई हादसा होता है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे की जाए कि भविष्य में कोई गलती ना हो या ऐसा ना हो। इसी वजह से ब्लैक बॉक्स का इन्वेंशन हुआ। 1954 में एरोनॉटिकल रिसर्चर डेविड वॉरन ने इसे इन्वेंट किया। इसके कलर को लेकर अलग अलग बातें सामने आती हैं। कहते हैं कि शुरुआत में इसका कलर ब्लैक ही हुआ करता था, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबिलिटी इस बात की है कि प्लेन क्रैश के बाद इसे ढूंढने में मुश्किल ना आए और इसकी विजिबिलिटी बनी रहे, इसलिए इसे बाहर से ऑरेंज कलर का बाद में बनाया गया। हालांकि अंदर से अब भी इसका कलर ब्लैक ही होता है। टाइटेनियम से बना यह बॉक्स कई लेयर्स की वजह से सेफ रहता है। यह इतना टेम्परेचर सहन कर सकता है कि अच्छे खासे हाई टेम्परेचर पर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। साथ ही ये लगभग 30 दिन तक 30 डेज तक बिना इलेक्ट्रिसिटी के काम करता है, यानी अगर जहाज को खोजने में वक्त लग भी जाए तो भी बॉक्स में डेटा सेव रहेगा। इसके साथ ही ब्लैक बॉक्स से लगातार एक तरह की फ्रीक्वेंसी निकलती रहती है, वेव्स निकलती रहती हैं, जिसकी वजह से समुद्र में गिरने के बाद भी इस बॉक्स को ढूंढा जा सकता है। ध्यान देने की बात यह है कि प्लेन में ब्लैक बॉक्स सबसे पीछे की ओर रखा जाता है ताकि अगर कभी दुर्घटना हो भी जाए तो ब्लैक बॉक्स सुरक्षित रहे। आपको बता दें कि आमतौर पर हवाई हादसे में प्लेन के पीछे का हिस्सा ही सबसे कम प्रभावित होता है, उसी पर सबसे कम असर होता है। ऐसा नहीं है कि ब्लैक बॉक्स हमेशा मिल ही जाते हैं। कुछ मामले ऐसे भी रहे जिनमें ब्लैक बॉक्स नहीं मिले, जैसे मलेशियाई एयरलाइंस MH370। सुना होगा आपने, काफी ज्यादा चर्चा में रहा था, कुछ साल पहले की बात है। दूसरी बात है कि ऑडियो रिकॉर्डिंग्स तो हैं, लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग्स अभी भी नहीं होती हैं। इसकी अपनी वजहें हो सकती हैं, लेकिन इसकी भी मांग समय समय पर उठती रही है। अब सवाल है कि ब्लैक बॉक्स जब इतना सुरक्षित है तो पूरा प्लेन ही ब्लैक बॉक्स की तरह क्यों नहीं बनाया जाता। ये ठीक ऐसे ही है कि कार्स में एयरबैग्स आपको बचाते हैं, लेकिन एयरबैग्स की कार नहीं बन सकती। यानी किसी चीज को बचाने के लिए तो ये सही है, लेकिन पैसेंजर्स को बचाने के लिए ब्लैक बॉक्स के एलिमेंट से पूरा प्लेन बनाया जाए, ये सही नहीं है। यानी जिस एलिमेंट का उपयोग जिस काम में किया जाए उसी में किया जाना चाहिए। तो ये थी पूरी जानकारी ब्लैक बॉक्स के बारे में, कि ब्लैक बॉक्स के कितने पार्ट्स होते हैं, क्यों ब्लैक बॉक्स पीछे रखा जाता है, क्यों ब्लैक बॉक्स ब्लैक कलर का नहीं होता, और भी उससे जुड़ी तमाम चीज़ें। अगर आप सिविल्स डेली की 1-on-1 मेंटरिंग लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके एक फॉर्म फिल करें, हमारे मेंटर्स आपसे संपर्क करेंगे, आप उनसे बात कर सकते हैं। सिविल्स डेली के इस YouTube चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को अलग अलग टाइमिंग्स पर कवर किया जा सकता है। तो अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें
और नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना ना भूलें। पढ़ते रहिए, अपना खूब ख्याल रखिए। शुक्रिया।